गुजरात के सानंद की ये तस्वीरें आपको बेचैन कर देंगी। सानंद में जलाभिषेक के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई। पूरा गुजरात कोरोना के कहर से तड़प रहा है, लेकिन सानंद की इन तस्वीरों में संक्रमण को लेकर कहीं कोई फिक्र आपको दिखाई नहीं देगी। यहाँ भक्ति भरे गीत गाए जा रहे हैं, भगवान के नाम पर जयकारे लग रहे हैं, लेकिन किसी को ये डर नहीं है कि उनकी इस भक्ति से कोरोना को कैसे हाहाकार मचाने का मौका मिल जाएगा। इनके चेहरे की तरफ देखिए, किसी चेहरे पर आपको मास्क नहीं दिखेगा। अब गुजरात की ही दूसरी तस्वीर देखिए, एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो दूसरी तरफ टीका लगाने की जद्दोजहद। एक तरफ कोरोना को लेकर बेफिक्री तो दूसरी तरफ टीका लगवाने की चिंता। आज तक संवाददाता गोपी घांगर इस ग्रामीण इलाके में पहुंची तो वहां टीके की किल्लत दिखी। इधर बताया गया कि 40 साल से ऊपर को देने का है, उसका 40 साल के नीचे को अभी नहीं देने का है। 3-4 दिन से घूम रहा हूं मैं सेकंड डोज के लिए, और हर जगह हर अस्पताल सानंद सिविल नगर पालिका प्राइवेट में भी गया, प्राइवेट में से भी नहीं मिल रहा है पैसा देख के भी। क्या बताया गया? अभी 45 की जिसकी उम्र है उनको दे रहे हैं वैक्सीन, उनके नीचे का भी उनके पास है नहीं, जब आएगा तब देंगे। जब से 18 साल की उम्र तक टीके की इजाजत मिली है, लोग जल्द से जल्द टीका लगाने को बेताब हो रहे हैं। मुंबई के इस वैक्सीनेशन सेंटर की लंबी कतार खुद ब खुद बहुत कुछ कह देती है। इस वक्त हम दादर में हैं, एक पार्किंग लॉट में ये वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया गया है, जहां पर ये भी फैसिलिटी है कि जो व्हीलचेयर के लोग हैं वो लोग कार में आ सकते हैं, ड्राइव थ्रू कार में बैठे बैठे ही वैक्सीनेशन हो जाएगा। तो ये सुबह की जो गर्दी है ये 2-3 घंटे में आप कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर पे जो डोजेज हैं वो दिन के जो डोज हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। एक तरफ बीएमसी के ऊपर ये चैलेंज है कि 18-45 इयर्स में जो एज ग्रुप में जो लोग हैं उनको वैक्सीन दे, दूसरा ये कि जो सेकेंड डोज पेंडिंग है उनको सेकेंड डोज दे। तो इन सारी दिक्कतों में जो वैक्सीन का स्टॉक है वो कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है। और अब आपको भोपाल के एक टीका केंद्र का हाल दिखाते हैं, जहां आपको लोगों की लंबी कतार दिखेगी, इंतजार दिखेगा और टीके का संकट भी दिखेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, आज 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का पहला दिन था। बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए वैक्सीनेशन सेंटर पर, लेकिन स्थितियां देखिए किस कदर। भोपाल में राजधानी है जो, वहां पे बिल्कुल अव्यवस्था फैल चुकी है। सामने आप तस्वीरों में देखिए वो गेट बंद जो आप देख रहे हैं, उस गेट के दूसरी तरफ 18 साल से लेकर 44 साल तक का जो एज ग्रुप है उन्हें वैक्सीन लगनी है, लेकिन वो इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए कि यहां पर उतनी वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी, और इसीलिए अगर आप देखें तो यहां पे सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ चुकी हैं। मुंबई हो, भोपाल हो, नागपुर हो या भुवनेश्वर हो, टीके को लेकर मारामारी की तस्वीरें आपको तमाम शहरों से दिखेंगी। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।